सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि संगीत की दुनिया में साढ़े मात्रा, सवा मात्रा और पौने मात्रा को कैसे गिना जाता है और कैसे बजाया जाता है और उनका बोल बांट कैसे किया जाता है। संगीत जगत में इसको बहुत ही मुश्किल काम माना जाता है और हो सकता है आपको पहली बार में ये समझ ना लगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं कोशिश करूंगा मैं वो सबको क्लियर कर पाऊं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साढ़े मात्रा कैसे गिनेंगे, आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं साढ़े तीन मात्रा से, फिर साढ़े चार, साढ़े पाँच, साढ़े छः, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। सभी साढ़े मात्राओं को गिनने का तरीका सेम है, तो पहले मैं तीन से स्टार्ट करता हूँ, साढ़े तीन। अगर आपको साढ़े तीन मात्रा गिनना नहीं आ रहा तो आप सात भी गिन सकते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। मैं आपको प्रॉपर साढ़े तीन मात्रा, साढ़े चार, साढ़े पाँच, ऐसे जितने भी मात्राएं हैं मैं आपको गिनना सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं साढ़े तीन मात्रा। साढ़े से पहले जितनी भी मात्राएं हैं पहले आपको उतनी मात्राओं को पूरा गिनना है। जैसे अभी हम साढ़े तीन देख रहे हैं तो पहले हम तीन मात्राएं पूरी गिनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री सा, एक दो तीन एंड हाफ, एक दो तीन एंड हाफ, एक दो तीन एंड हाफ, वन टू थ्री एंड हाफ, भा। तो जितनी भी मात्राएं हैं अगर हम ये साढ़े चार में गिनेंगे तो क्या बोलेंगे, वन टू थ्री फोर एंड हाफ, 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 भा। तो ये तरीका है साढ़े मात्रा गिनने का। अब इसको डिटेल में देखते हैं। जितना टेम्पो पहले वाली बीट का चल रहा है, जैसे एक दो तीन चार, ये एक एक बीट है, वन टू थ्री फोर एंड हाफ, वन टू थ्री फोर एंड हाफ, वन टू थ्री फोर एंड हाफ, भा। साढ़े चार है, साढ़े चार, साढ़े चार नौ मात्रा होती हैं। अगर आप उसको सीधा गिनोगे तो नौ पे सम आएगा, अगर आप उसको साढ़े चार गिनोगे तो हर पहले पे सम आएगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं, साढ़े चार मात्रा, वन टू थ्री स्टार्ट, एक दो तीन चार एंड हाफ, एक दो तीन चार एंड हाफ, एक दो तीन चार एंड हाफ, वन टू थ्री फोर एंड हाफ, भा। एंड हाफ दो बीट्स हैं, उसको जो टेम्पो चल रही है उस टेम्पो से डबल में बोलना है तो वो उस मात्रा का साढ़े गुण बन जाएगा। अब अगर इसको साढ़े पाँच में गिनना है तो हम कैसे गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच एंड हाफ, 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 धा 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 के दिना दिना, धा दिना के दिना, धा धा के दिना दिना, धा। तो इन मात्राओं में आप कोई भी बोल बिठा सकते हैं, इसका कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि इस मात्राओं में यही बोल बजने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको साढ़े छः में करेंगे तो छः मात्राएं हमें पूरी गिननी है, उसके बाद एंड हाफ डबल बीट पे गिनना है। तो आइए देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड हाफ, एक दो तीन चार पाँच छः एंड हाफ, एक दो तीन चार पाँच छः एंड हाफ, एक। तो ये होगी साढ़े छः मात्राएं। ऐसे आप जितने भी गिनने चाहें, जितने का साढ़े गुण बनाना है उतनी मात्राएं पूरे गिन के उसके बाद एंड हाफ डबल बीट में गिनना है। तो ये हो गया साढ़े मात्रा का रूल। तो अब आगे बढ़ते हैं, साढ़े गुण के बाद बारी है पौने गुण की। अब यहाँ सबसे पहले पौने मात्रा को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम एक घड़ी को देखें, पंद्रह पंद्रह के चार हिस्से होते हैं, अगर दो पंद्रह को एक साइड कर दो तो साढ़े गुण बन जाता है, हम उसको डेढ़ ढाई साढ़े तीन साढ़े चार साढ़े पाँच ये बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम उसमें एक और तीसरा हिस्सा ऐड करते हैं तो घड़ी का समय पौने में बदल जाता है, पौने छः पौने सात पौने आठ पौने नौ। तो उसी प्रकार हमने इसमें डबल लय में एंड हाफ ऐड किया तो क्या बना, साढ़े मात्रा। अब डबल का भी डबल करेंगे तो वो साढ़े मात्रा का भी आधा बन जाएगा, एक पूरी मात्रा का डबल किया तो साढ़े मात्रा बनी, अब साढ़े का भी डबल करेंगे तो पौना बनेगा। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए हमें करना है पौने छः मात्रा, उसके लिए
पहले हम पूरी 5 मात्राएं गिनेंगे, उसके बाद एंड हाफ आधी मात्रा ऐड होगी, 5.5 बन गई, उसमें 5.5 का भी आधा हिस्सा ऐड करेंगे तो 6.25, यानी कि 6 से एक हिस्सा कम, 5.5 से एक हिस्सा ज्यादा। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 एंड हाफ 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 1। ये है 6.25 मात्रा। अगर इसके बाद आप इसको 6.75 में करना चाहते हैं तो आपको 6 मात्राएं पूरी गिननी है, उसके बाद 6.5 और 6.5 में एक छोटा हिस्सा ऐड करना है। 6.75 मात्रा कैसे गिनेंगे आइए देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ। तो ये हो गया 6.75 मात्रा। इसी प्रकार आप जितनी भी मात्राओं को गिनना चाहते हैं मैंने मेथड आपको बता दिया है। अब इसके बाद बढ़ते हैं 1/4 मात्रा में। अगर हमें 1/4 मात्रा बनाना है, मतलब सिर्फ हमें एक ही हिस्सा ऐड करना है उसमें हम एंड हाफ वाला पूरा हिस्सा ऐड नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ हमें जो हमने 6.75 में लास्ट में किया था वो हिस्सा पहले ऐड करना। जो बीट चल रही है उसकी डबल बीट से भी डबल, उसकी चौथी लय वाली बीट को हमने सबसे पहले ऐड करना है मात्रा के बाद। तो आइए पहले देखते हैं 1/4 मात्रा हम कैसे गिनेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 एंड हाफ। 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 ये थी 1/5 मात्रा। अगर हम 6.25 मात्रा गिनना चाहते हैं तो वही रूल है, 6 मात्राओं के बाद हमें एक पोर्शन ऐड करना है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ। 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ। 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ। तो ये हो गया 1/6 मात्रा। इस प्रकार आप जितने भी 1/4 मात्राएं गिनने चाहते हैं उनमें यही सेम रूल अप्लाई होगा। एक बार हम पूरा लेसन फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले है 6.5 मात्रा। 6.5 मात्रा के लिए हमें जो स्पीड पे हम टेम्पो चल रही है उसमें एंड हाफ गिनेंगे उससे डबल स्पीड पे। एग्जांपल के लिए 3.5 मात्रा। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 एंड हाफ। 1 2 3 एंड हाफ। 1 2 3 एंड हाफ। 1 2 3 हाफ। 1 2 3 एंड हाफ। 1 2 3 एंड हाफ। इसी प्रकार 4.5 मात्रा, इसी प्रकार 5.5 मात्रा, इसी प्रकार 6.5 मात्रा, 7.5 मात्रा। 7.5 मात्रा एक बार गिन के देख लेते हैं, मेरा फेवरेट है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ। तो ये था 6.5 मात्रा गिनने का रूल। उसके बाद है 6.75 मात्रा गिनने का रूल। सबसे पहले 6.75 मात्रा गिनते हैं। उसके लिए हमें 4 मात्राएं पूरी गिननी है, उसके बाद 4.5 और उसके बाद एक छोटा हिस्सा 4.5 के बाद ऐड करना। तो कैसे करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 एंड हाफ एंड हाफ। 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 इसी प्रकार 6.75 मात्रा और 6.75 मात्रा। 6.75 मात्रा एक बार गिन लेते हैं। इसके लिए हम 5 मात्राएं पूरी गिनेंगे, उसके बाद 5.5 और 5.5 के बाद एक छोटा हिस्सा ऐड करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 एंड हाफ एंड हाफ। 1 2 3 4 5 एंड हाफ एंड हाफ। 1 2 3 4 5 एंड हाफ एंड हाफ। 1 2 3 4 5 एंड हाफ एंड हाफ।
तो ये था पौने मात्रा गिनने का रूल। उसके बाद है सवा मात्रा गिनने का रूल। अब सवा में जितनी मात्राओं के बाद हमने सवा मात्रा गिननी है, यानी कि अगर सवा पांच गिननी है तो पांच मात्राएं पूरी गिनने के बाद हम एक छोटा हिस्सा उसके बाद ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं सवा पांच मात्रा। 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 पांच एंड हाफ, 1 2 3 4 पांच एंड हाफ, 1 2 3 4 फाइव एंड हाफ, 1 2 3 5 एंड हाफ। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसकी धीरे धीरे से प्रैक्टिस कीजिए और खुद जानने की कोशिश कीजिए कि मात्राएं कैसे एक के बाद एक जुड़ती हैं। मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसकी आपको तिहाइयां बनानी भी सिखाऊंगा, कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। अपने आप जैसे उंगलियों पे गिनते हैं या हाथ पे गिनते हैं आप वैसे उसकी प्रैक्टिस कीजिए, समय के साथ साथ ये मात्राएं आप में बैठना शुरू हो जाएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। और आगे आप कौन से वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा मैं उनका रिप्लाई कर पाऊं। धन्यवाद।